नमस्कार दोस्तों, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें जो भी स्टूडेंट विक्रम यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और इसके लिए उनके पास CUET UG का जो स्कोर है वो होना चाहिए, जो NTA के द्वारा टेस्ट आयोजित किया गया था। इसमें एडमिशन थ्रू CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG अंडर ग्रेजुएट स्कोर July 2022-23 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो ये आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन की जो लिंक है वो दी गई है, तो उस पर आप विज़िट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको भी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप ओपन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी। तो पहला है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थ्रू दिस लिंक इज 25th September 2022। 25 सितंबर लास्ट डेट रहेगी जब आपको फॉर्म भरना है। दूसरा है, लास्ट डेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एट कंसर्निंग डिपार्टमेंट इज 16th September 2022 to 25th September 2022। 16 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना होगा संबंधित विभाग में या संबंधित डिपार्टमेंट में। फिर लास्ट है, फीस डिपॉजिट की लास्ट डेट होगी 26 सितंबर 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक आपको फीस जमा करनी होगी उस संबंधित कोर्स का उस डिपार्टमेंट में। तो आइए देखते हैं कि फॉर्म आपको किस प्रकार से फिलअप करना है। तो जो एडमिशन लिंक दी है उस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा, और उसमें देखते हैं किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है उस संबंध में। जी, तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें UTD रजिस्ट्रेशन फॉर्म CUET स्टूडेंट ओनली July 2022, और इसमें बाकी जो डिटेल्स हैं उनको आपको फिलअप करना। फील्ड्स मार्क विद एस्ट्रिक आर मैंडेटरी फील्ड्स, तो जिसमें स्टार लगा हुआ है उन फील्ड्स को आपको मैंडेटरी भरना है। पहला है इसमें कोर्स डिटेल में एप्लीकेशन फॉर, जो भी कोर्स है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं BA ऑनर्स, BA LLB, BBA ऑनर्स, BCA ऑनर्स, BCOM ऑनर्स, BE बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, इस तरह से जो भी आपके कोर्स हैं इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके अनुसार से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी और कौन सा किस चीज़ से आप करना चाह रहे हैं, हिस्ट्री है या कुछ और सब्जेक्ट है, तो उस तरह से आप जो है चेक कर सकते हैं। डिपार्टमेंट डिटेल दे सकते हैं, डिपार्टमेंट जो भी है इसमें आप देख सकते हैं स्टडीज़, ठीक है, तो जो कुछ भी इसमें ऑप्शंस आएंगे उस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कैंडिडेट्स पर्सनल डिटेल्स एज़ पर 10+2 मार्कशीट, कक्षा 12वीं के मार्कशीट के अनुसार आपको अपनी जानकारियाँ फिलअप करनी है। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, है ना, और हिंदी में भी कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, मैरिटल स्टेटस है, ठीक है, हस्बैंड नेम है, कैटेगरी है, ठीक है, CUET एप्लीकेशन नंबर है, तो ये देखिए भरिएगा। CUET स्कोर पूछा गया है तो आप स्कोर उसमें मेंशन करिएगा। फिर सब कैटेगरी में इस प्रकार से जो भी है उसके अनुसार से आप उसको चेक कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस है तो उसको फिलअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल है उसको फिलअप कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डिटेल्स हैं तो कुछ स्कूल से या बाकी जगह से आपने कोर्सेस किए हैं, किस सन में किया था और क्या परसेंटेज था, वो सब आप फिलअप कर सकते हैं। प्लेस ऑफ रेजाइडिंग इन उज्जैन में कहाँ पर रहते हैं उसके अनुसार से आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। चेकलिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स, द अटैच्ड फोटो कॉपीज ऑफ इनक्लोजर अलॉन्ग विद दिस फॉर्म शुड बी सबमिटेड इन द डिपार्टमेंट फॉर वेरीफिकेशन बिफोर लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन, प्लीज़ टिक द बॉक्स। तो जो जो डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे वहाँ पर, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 10+2 मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, ग्रेजुएशन का अगर कोई मार्कशीट है आपके पास, ठीक है, डोमेसाइल सर्टिफिकेट है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, तो आपका अंडर ग्रेजुएट है तो बाकी चीज़ें आपको एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो जो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर सबमिट करेंगे या लेके जाएंगे जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा उन पर टिक कर सकते हैं।
फ़ोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पर आपको फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है और सिग्नेचर नीचे होना चाहिए, और कैप्चा इंटर करके डिक्लेरेशन पर टिक करके सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो फीस है उसके अनुसार से आप पे करके जो है आप इसका प्रिंट आउट लें, और फिर डॉक्यूमेंट लगा के फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए भी यूनिवर्सिटी जाना होगा। और इसमें आप जितनी भी डिटेल्स हैं उसको ध्यान से चेक कर लें और उसके बाद ही फिलअप करें। और फॉर्म भरने के लिए आप लैपटॉप से भर सकते हैं या नज़दीक के जो मोबाइल सेंटर होते हैं एमपी ऑनलाइन कियोस्क, वहाँ पे भी जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।